दो हफ्ते हो चुके हैं हम धान सुखाने पर लगे हैं। तो गाइस आज के इस नए एपिसोड को शुरू करते हैं एक सुंदर से रवाई घाटी से। तो रिक्वेस्ट है यार, जिस किसी भाई ने UK07 राउत ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दें यार, और जो भी वीडियो देखते हो तो उस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इससे गाइस जो है हमें वॉच टाइम पूरा नहीं मिल पाता है, वीडियो में वॉच टाइम पूरा नहीं मिल पाता है। तो गाइस जितने भी भाई लोग हैं रवाई घाटी के, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज के नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। बैक टू माय चैनल UK07 राउत ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस यहाँ पर एक दो हफ्ते हो चुके हैं हम धान सुखाने पर लगे हैं। तो गाइस आज लास्ट, फाइनली आज लास्ट डे, इनको आज सारे जो है भंडारण किया जाएगा। इस साल जो है फसल अच्छी रही, कम से कम जो है 110 कट्टे जो यहाँ पर बने हैं, जो कि पूरे अच्छे से अच्छे ढंग से सुखा के लगभग 100 कट्टों के आसपास यहाँ पर बना है। जरूर बनता है। तो गाइस देख सकते हैं आप किस तरीके से इन धानों को फैलाया जा रहा है, और इनको सूखने में लगभग 24 से 48 घंटे का समय लग जाता है ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए और अच्छी तरीके से इनका भंडारण हो सके। तो जुड़े रहिए, थोड़ी देर में बताते हैं आपको आगे का दृश्य। लास्ट डे यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है जो कि भंडारण किया जाए। कौन सा गाना लगाओ? क्लिम पोडल। जोर से बोलो, क्लिम पोडल। ठीक है लगा दो। क्रीम पाउडर घसने की लेने, वो क्रीम पाउडर घसने की लेने, मेरी निर्मला समझ की लेने, मेरी निर्मला समझने की लेने। तो देख सकते हैं गाइस अच्छी तरीके से इनको फैलाया गया है ताकि ये शाम शाम तक अच्छे से सूख जाए और इनका रख रखाव, इनका भंडारण, इनका स्टोर जो है अच्छी तरीके से हो जाए।